मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर 12 ऑफ चैप्टर 7. सो ओपन योर बुक एंड गो पेज नंबर 39. तो बच्चों 39 में हम लोग ने कहाँ तक अपना कवर कर लिया था? यहाँ थर्ड पार्ट था. थर्ड में क्या हमने सीखा था कि ऐसे कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनके जो एडजेक्टिव वर्ड में लास्ट में ई आता है उसको रिप्लेस करके हम क्या ऐड करते हैं, आर और एस टी. आर कब रिप्लेस करते हैं? जब हमें दो लोगों की कंपैरिजन करना होता है तो हम आर को ई को रिप्लेस करते हैं आर से. जब तीन लोगों की बात ही हो जाए तो हम ई को रिप्लेस करते हैं एस टी से. उसी में हमने पढ़े थे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. ओके, तो चलिए आज अपना फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे. तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स व्हेन वी ऐड ईआर और ईएसटी ऑन एन एडजेक्टिव द लास्ट लेटर ऑफ द मेन वर्ड इज रिपीटेड. तो क्या होता है बच्चों, जब हम ईएसटी और ईआर जब ऐड करते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं कि जब हम उसमें ईएसटी और ईआर ऐड करते हैं जो उसके लास्ट लेटर होता है, लास्ट लेटर हमारा ये है, ये लेटर रिपीट हो जाता है. तो कुछ ऐसी वर्ड्स हैं वो पढ़ेंगे. फैट, फैट मतलब होता है बच्चों मोटा या चौड़ा. तो फैट, फैटर. अब ये देखिए इसमें डबल टी ई आर हो गया, एफ ए डबल टी ई आर. इसकी स्पेलिंग क्या होती है, एफ ए डबल टी ई आर. फैट नॉर्मली हम जब कंपैरिजन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली एडजेक्टिव यूज़ करना है तो हमें ये हो गया फैट. और जब हमें कंपैरिजन करना पड़े दो लोगों के बीच में तो ये हमारा हो गया फैटर. दो लोगों की बात हो तो फैटर, और दो से ज़्यादा की बात हो तो हमारा होगा फैटेस्ट. फैटेस्ट क्या हो जाएगा, फैटेस्ट, फैटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर फैटर देन मी. कि ये एक ये कोई हैन है, ये दूसरी हैन से क्या बोल रही है, यू आर फैटर देन मी, कि तुम मुझसे मोटी हो. आप ऐसे पिक्चर में देख भी सकते हैं. अब दो लोगों के बीच की बात हुई थी तो हमने किसका यूज़ किया, बीच वाले का, इसका फैटर का. तो यू आर फैटर देन मी. ओके, ऐसे बिग, बिग मतलब होता बड़ा. अब बिग जब नॉर्मली हम यूज़ करेंगे विदाउट कंपैरिजन, अगर हमें कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ बिग, बिग का यूज़ करेंगे. अगर हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे बिगर, तो कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, बिगर. और दो से ज़्यादा के लिए हम अगर एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो उसके लिए होगा बिगेस्ट. दो से ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, बिगेस्ट. तो इसमें भी देखिए जी हमारा डबल बार आ रहा है ना, तो ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें इनका लास्ट लेटर रिपीट हो जाता है. तो वही हो जाए बी आई डबल जी ई आर, बी आई डबल जी ई एस टी. तो बिग, बिगर, बिगेस्ट. ऐसे बच्चों हॉट, हॉट मतलब होता है गर्म. तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, हॉट नॉर्मली एडजेक्टिव वर्ड है कि अगर हम विदाउट कंपैरिजन कहीं अगर हमें यूज़ करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, कौन सा एडजेक्टिव का, हॉट का, अगर हमें कंपैरिजन की बात नहीं होगी उस सेंटेंस में. अगर कंपैरिजन होगा, अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो हम क्या बच्चों पर यूज़ करेंगे, हॉटर. और दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा तो हम बोलेंगे हॉटेस्ट. ओके, थिन, थिन मतलब होता है छोटा, छोटा ही होता है, थिन मतलब होता है छोटा. तो थिन, थिनर, थिनेस्ट. तो अगर थिन मतलब अगर नॉर्मली बिना विदाउट अगर हमें कहीं कंपैरिजन नहीं करना है तो हम कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, थिन. और हमें दो लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो हम कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे, थिनर. और दो से ज़्यादा के बीच में हमें अगर एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करना है, दो से ज़्यादा के लोगों के बीच में यूज़ करना, तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, थिनेस्ट. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनका लास्ट लेटर रिपीट हो जाता है. तो उसी में क्या पढ़ा, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट. ओके, आपको समझ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो अभी तक बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं बच्चों, एडजेक्टिव हमारे वो वर्ड होते हैं जो हमें नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं. तो इन्हीं को इसीलिए इनको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, कि नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा नाउन है. ओके, तो उसी में फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमारे एडजेक्टिव में कुछ ऐड होता है. क्या ऐड होता है नॉर्मली, ईआर और ईएसटी, ईआर और ईएसटी ऐड होता है. उसी में कुछ हमने पढ़े थे कि जिनके ईआर और ईएसटी तो नॉर्मल ऐड करते हैं, कुछ इसमें हम लोगों ने रूल पढ़े थे. क्या रूल, पहला रूल क्या पढ़ा था, जिस लेटर के लास्ट में, जिस एडजेक्टिव के लेटर के लास्ट में बच्चों वाई होता है तो वाई रिप्लेस, मतलब कि वाई को हटा देते हैं, उसकी जगह क्या
ऐड करते IER, IER और IEST। IER किसके लिए यूज़ कर रहे थे बच्चों, एक बार रिवीजन कर लीजिए, देखिए मैं दिखा देता हूँ। IER किसके लिए यूज़ कर रहे थे, जब हम दो लोगों के कंपैरिजन की बात करेंगे और दो से ज़्यादा की कंपैरिजन की बात करेंगे तो IEST। ओके, तो एक रूल हमने ये पढ़ा था। दूसरा रूल बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि वी क्या हम R और ST जिस लेट जो एडजेक्टिव लेटर एंड होते हैं कौन से वर्ड से, E से, लास्ट लेटर क्या हमारा E है ना, जो एडजेक्टिव वर्ड का लास्ट लेटर ई होता है वो रिप्लेस किससे होता है, आर से और एसटी से। मतलब कि सिर्फ आर ऐड करते हैं और एसटी, दो लोगों की बात करेंगे तो आर और दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो एसटी। जैसे इसमें पढ़ा क्या वर्ड पढ़ा था, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ये पढ़ा था ना। ऐसे ही एक तीसरा रूल हम लोग ने क्या पढ़ा कि अगर ये रूल नहीं है, ये एक वर्ड है कि अगर आप कोई भी मतलब कि कुछ ऐसे, ये कुछ हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब इनका हम एडजेक्टिव चेंज करते हैं कंपैरिजन के लिए तो ये रिपीट हो जाता है इनका लास्ट लेटर, जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे के लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो कीप लर्निंग, बी सेफ, थैंक यू।